शहर हैदराबाद में सर्व सर्वश्रेष्ठ अभियान के तौर पर 2018 के लिए अपने आप को साफ रखो, इलाका साफ रखो, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से शुरू किया गया है, जिसके लिए खास तौर पे हर डिपार्टमेंट अपने तरफ से ये कोशिश कर रहा है कि हमारा शहर साफ तंदुरुस्त सेहतमंद रहे। उसके लिए हमारे अतराफ और अपनाप में फैलने वाली गंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश रहे कि हम इलाका अपना साफ रखें और कूड़ा कचरे के लिए सरकार की तरफ से जीएचएमसी की तरफ से आपको बास्केट दिए गए हैं, जिसमें सूखा कचरा डालने के लिए एक बास्केट है और भीगा कचरा डालने के लिए एक बास्केट है। इसको इस्तेमाल करें यार, और साथ ही ये सोचे रोड पे चलते वक्त खास तौर पर अपने हाथ में जितना भी चीज़ पैकिंग की हो, खाने की हो या कोई भी चीज़, खाते ही उससे ही हाथ पोंछ कर ना फेंके, बल्कि डस्टबिन के हवाले करें, ताकि आपका शहर साफ रहे। खास बात तो ये है कि शहर में लोग रोड गंदी हो जाए, सड़क गंदी हो जाए, गली गंदी हो जाए, अपने आजू बाजू का इलाका गंदा हो जाए, मगर घर गंदा ना हो, ये इलाके सोचते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा शहर, जिस तरह घर आपका है उसी तरह गली आपकी है, जिस तरह गली आपकी है रोड आपकी है, जिस तरह रोड आपकी है तो ये शहर आपका है, आपका शहर है तो आपका हिंदुस्तान है। अगर पूरा हिंदुस्तान साफ सुथरा दिखाई दे तो आपको ही खुशी होगी। अफसोस तो ये है कि हम दूसरे कंट्रीज में देखते हैं जिस तरीके की साफ सफाई दिखाई देती है, वो हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे हैदराबाद में ऐसा क्यों नहीं दिखाई देता। वो इसकी वजह यह है कि हर फर्द साफ सफाई पे तवज्जो नहीं रखता, इसीलिए हमें ये मुसीबत का सामना करना पड़ता है। बल्दिया नौकर से कंपलसरी सोचते हैं, हमें चाहिए इंसाफ करने वाले शख्सियतों का हम सम्मान करें और उनको गौर से देखें, ताकि आप ये समझ सकें कि ये हमारी कितनी बड़ी प्रॉब्लम साफ करते हैं। अक्सर तो होता यह है रोड से चलते वक्त अक्सर देखते हैं कि ड्रेनेज का पानी उबल के जा रहा है, रोड से बह रहा है, गंदा पानी है, कोई गाड़ी पे चले गया, कोई पत्थर डाल के चले गया, कोई साइकिल पे चले गया, कोई कार में चले गया, मगर वो गंदा पानी बहते रहा देखते रहे। उसके बाद देखिए कि 24 घंटे के अंदर या 24 घंटे के बाद वो गंदा पानी रुक गया, मगर वो किस तरह से मुमकिन हुआ आपको पता है, आपको पता होना चाहिए। हम में से आप जैसा एक इंसान, मेरे जैसा एक इंसान अपने कपड़े उतार कर उस गंदी नाली में उतरता है, अपना बद्दा लेकर उसे साफ करता है, तब जाकर हमें सुकून मिलता है। हमें ऐसे लोगों का मान सम्मान रखना चाहिए जो हमें सच्चे साफ तरीके से इबादत करने का मौका देते हैं, पूजा करने का मौका देते हैं, उनका मान सम्मान हमारे पास कितना होना चाहिए, मगर हमें उन्हें यकीन छोटा देखते हैं। आप चाहिए इसी तरह से जिस तरह से एक फर्द के ड्रेनेज में उतरने से पूरा शहर इलाका सुकून की नींद सो सकता है, सुकून से रास्ते पे चल सकता है, इसी तरह आपको भी चाहिए कि आप अपना गंदगी एक इलाके में डालें।